राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी आप बताते हैं कि ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ करते हैं कि बर्तन वगैरह घर का काम ब्राह्मण से नहीं करवाना चाहिए, तो आप हमारे गुरुजी नहीं है और ब्राह्मण नहीं है, आप हमारे झूठे बर्तन क्यों धोते हैं? आप अपने घर में काम मत कराइए, परंतु हमारा यदि भाव है कि आप सब भगवान हैं, हर द्वार पे आया अतिथि भगवान होता है, तो इस भाव से भगवत भाव से कार्य किया गया वो उत्तम होता है, अच्छा होता है। वो तो अपनी अपनी भावना है, आप हमसे कोई काम थोड़ी करा रहे हैं। हमें तो इस तरह अपराध लगेगा, हमारे गुरुजी हमारे जूठे बर्तन धो रहे हैं। अपराध वहाँ लगता है जहाँ आप जान के काम कराए, यहाँ तो हम अपने भाव से काम कर रहे हैं। और गुरु जी बोलने में गलती हो तो माफ करना, जो ये मतलब हिंजड़े होते हैं वो आते हैं किसी भी खुशी के मौके पर आते हैं, तो अगर वो बधाई हम खुशी से जितनी देना चाहते हैं देते हैं, उतनी नहीं दे पाते तो वो बदुआ देके जाते हैं, वो बदुआ लगती है। नहीं, कहावत है ना, कौवा की कोसी गाय नहीं मरती, मतलब कौवा गाय को बदुआ दे के तू कम मर जाए तो तेरा मांस खाने को मिले, तो कौवा की कोसने से गाय नहीं मरती। ऐसी है, आपकी श्रद्धा से ही देना चाहिए, वो लोग संतुष्ट हो जाए तो और अच्छी बात है, पर बदुआ नहीं देना चाहिए। पर ऐसी बदुआएं आप भला कर रहे हैं, आप तो दे रहे हैं अपनी क्षमता से, और सामने वाला फिर भी बदुआ दे रहा है, तो इसलिए लेने वाले को भी संतुष्ट होना चाहिए, उसको भी संतुष्ट होना चाहिए। कोई बदुआएं ऐसी नहीं लगती, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आप कोई बुरा करते तो बदुआएं लगती भी, पर आपने तो बुरा किया नहीं, आपने तो दिया है। उनकी डिमांड होती है हजारों रुपए की, आप 20,000 दो, 21,000 दो, 50,000 दो, लाख दो, पर जिसकी जितनी क्षमता होती है आदमी उतना ही तो देता है। जी यही पूछना था। और गुरुजी बिहारी जी के पास एक बेटा हुआ है, अभी 10 दिन पहले इनकी शादी है, आप बोले धाम में लाओ संतों के दर्शन करो, आप इनको आशीर्वाद दो, बेटी है इनको भी आशीर्वाद दो। गुरु जी आपको वहाँ बैठ देना चाहते हैं, आप जाइए।